दोस्तों, द्विघात समीकरण से संबंधित अभी हम कुछ छोटी सी जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसमें हम अपने इसके बेसिक फॉर्मूले समझेंगे। यहाँ पे पहला फॉर्मूला दोस्तों आप काम में लेते हैं, द्विघाती सूत्र यानी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो के फॉर्म का रहता है। इसके मूल यानी आपके रूट क्या रहते हैं, माइनस बी प्लस माइनस एंड रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए, जहाँ पर देखिए आपका ए एक्स स्क्वायर का गुणांक है, बी एक्स का गुणांक यानी कोफिशियंट है, और सी यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है द्वारा आपके दिए होते हैं। और इसका कंडीशन यह रहता है कि आपका बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन जीरो और इक्वल टू जीरो रहना चाहिए, अदरवाइज आपके यहाँ पे मूल क्या रहते हैं, काल्पनिक रहते हैं, यानी इसका वैल्यू आपका जब लेस देन जीरो हो जाता है। देखिए यहाँ पे कंडीशन देख लेते हैं, तो कोई वास्तविक मूल नहीं होता है, ये वाला कंडीशन बन जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, इसके दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, रूट के नेचर की बात कर रहे हैं, कब, जब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन जीरो हो। और यदि यह इक्वल टू जीरो है तो इसका मतलब क्या है, दो बराबर मूल अर्थात समपाती वास्तविक मूल होते हैं। और यदि यह लेस देन जीरो है इसका मतलब क्या है, कोई वास्तविक मूल नहीं है। यहाँ पे ग्रेटर देन जीरो मतलब क्या है, यह आपका जीरो से बड़ा रहेगा, लेस देन जीरो मतलब यह जीरो से छोटा रहेगा यानी माइनस का आएगा, ऐसे समझ लीजिए, और यह आपका क्या रहेगा, प्लस का रहेगा। थैंक यू। तो यह थोड़ी सी बेसिक जानकारी प्राप्त की अभी हमने।